विभोग का तात्पर्य है प्यारे के द्वारा दी गई वस्तु का, इष्ट वस्तु का भी अनादर करना। कुटिमित का तात्पर्य है मिलन में मिथ्या रुदन इत्यादि प्रकट करना, ये कुटिमित। और अमिथा का तात्पर्य है अपने प्रेम को छिपाने का प्रयास करना, वो अमिथ। तो शिवप्रिया यहां पर विभो भाव को प्रकट करती हुई शास्त्र कह रहे हैं हाँ मैं तुमको महारत्न प्रदान करूंगा, हृदय में तो भीतर से आनंदित है और ऊपर से भ्रो पूज्यो भावों को तिराया करके शांतिदास कह रहे हैं कि मां कह रही है खबरदार दूर रहना, हमारे स्पर्श मत करना, हम आपस में इस समय ले जा रही है, गृह को ले जा रही है। तो अमर्षम एवं अभियंती, अमर्ष माने क्रोध, एवं शब्द के द्वारा दिखाएंगे हृदय में क्रोध है नहीं, दिखावा किया जा रहा है। तो अमर्षम एवं अभिनयंती उसका अभिनय करती हुई भौं को टेढ़ा करके प्रकाश रूप से कह रही है कि ललते दृष्टा पत्र प्रतासु मातृशिशु विदुषक्ता तब कुंज राजस्य, अपने इस नुकुंज राज को रोक ले, जैसे इनका कोई संबंध है ही नहीं तब नुकुंज राजस्य अपने इस नुकुंज राज को रोक ले, ये अपने कह करके जैसे दिखा रही है मान में, जैसे मेरा तो इससे कोई संबंध ही नहीं है, ये तेरे ही है, तेरी बात को मानेंगे, अपने इस नुकुंज राज को रोक ले रोक ले, जो मुझ जैसी पतिव्रता के प्रति भी विदुषकता कर रहा है, ऐसे प्रयास के अनुचित वचन कर रहा है, जहां पर विचित्र वेश भाषा के द्वारा जो हास्य उत्पन्न करे उसका नाम है विदुषक। विचित्र वेश भूषा दे भूषा के जो विचित्र वेश आभूषा वचन इनके द्वारा हास्यकारी विदुषका, जो हास्य उत्पन्न करे उसका नाम विदुषक। विदुषक यह ब्राह्मण जाति का होता है, विचित्र वेश भूषा वचन इनका प्रयोग करने वाला होता है, बड़ा बुद्धिमान होता है और नायक के हृदय की बात का भी उद्घाटन करने वाला होता है, ये मूर्ख नहीं है। संस्कृत नायकों का जो विदूषक है वो परम विद्वान भी होता है, तो परम विद्वान होकर के वो विराजमान है और उसके नाम प्राय वसंत ऋतु के ऊपर उसके नाम होते हैं, वसंतक मधुमंगल, संस्कृत नाटकों में वसंतक ये उसके विदूषण के प्राय नाम वसंत ऋतु से ही होते हैं, तो वसंत ऋतु होकर के वो यहां पर भी मधुमंगल कोई वसंत का ही मधु माने वसंत उसका ही संपर्क है। तो विचित्र वेशभूषा के हास्यकारी विदूषक ये तो कह रहे हैं बोले अरे ललता हम जैसी पतिव्रताओं के प्रति विदुषकता करने वाले अपने इस नुकुंज राज को रोक दे रोक दे। श्री ललता जी उस समय साप देशम संस्कृत कहीं अपदेश माने बहाने से उस समय कह रही है शास्त्र को रोकती हुई के नव मुकुलताम दृष्टि रसाल लताम कथन मुधा दृष्टा कूट भजन अभिधावसी परमलवती स्निग्धा चासौ द्वेप पतश्रुता परहर कुहु कंठो कंठाम इयम सुलभानति। के नव मुकुलताम दृष्टि रसाल लताम इता कि अरे भोरा, शांति दर से कहा जा रहा है अरे भोले, यहां पर अप्रस्तुत प्रशंसा में भोले को कहा जा रहा है। अप्रस्तुत प्रशंसा कल के रूपण में कर आए थे वही वहां है जहां पर प्रस्तुत को न कहकर के अप्रस्तुत के माध्यम से कोई बात प्रस्तुत से कही जाए, परोक्ष में कही जाए
जहां प्रत्यक्ष में प्रस्तुत भी है अप्रस्तुत भी है, प्रस्तुत है श्याम सुंदर, अप्रस्तुत वस्तु है भोरा, उपमेय है श्याम सुंदर, उपमान है भोरा, परंतु श्याम सुंदर का नाम न लेकर के भोरे का नाम दिया जा रहा है कि अरे भोरा, अरे भ्रमर, दूर हट दूर हट। तो प्रस्तुत को त्याग करके जहां अप्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की बात कही जाए और वही बात प्रस्तुत पर भी लागू हो, यो की त्यो अप्लाई हो रही है, उसी का नाम अप्रस्तुत प्रशंसा है। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की जहां प्रशंसा की जाए, प्रस्तुत कहते हैं जिसका वर्णन चल रहा है, और अप्रस्तुत माने जो सामने नहीं है, नायिका का मुख चंद्रमा के समान है, नायिका का मुख कमल के समान है, नायिका का मुख हो गया प्रस्तुत, कमल या चंद्रमा हो गया अप्रस्तुत। परंतु अप्रस्तुत के माध्यम से जहां नायिका से कोई बात कह दी जाएगी तो वो अप्रस्तुत प्रशंसा होगी। यहां पर श्याम सुंदर का नाम भी लेकर के डांटा जा रहा है, अरे भोरा, दूर हट दूर हट। नव मुकुंता दृष्ट्वा अभ्यर्णे रसाल लतान इतः, अभ्यर्णे माने अपने बगीचे में रसाल आम की इस लता का दर्शन करके, जो आम की लता कैसी है, नव मुकुंता। अब ये सारे लक्षण रसाल स्वरूप रसमय रूपता श्री प्रिया भी विराजमान है, उनमें भी नव मुकुंत अंग अंग खिल रहे हैं। और वाणी साहित्य में देखें तो वृंदावन की जितनी भी शोभा का वर्णन किया, आहा वृंदावन में वसंत छा रहा है, और तात्पर्य क्या है भीतर, इसकी यदि व्याख्या की जाएगी तो इसका अंतर तात्पर्य क्या है, बोले श्री किशोरी के श्री अंग में नव यौवन छा रहा है, ये इसका अर्थ। जो अज्ञानी है वे समझेंगे कि हाँ प्रकृति का वर्णन किया जा रहा है, नेचर का वर्णन किया जा रहा है, परंतु जो रसिक जन आ वृंदावन में नव वसंत छा रहा है, तुरंत उनका ध्यान जो जाएगा, वो ध्यान जाएगा उनके हृदय में जो भाव स्फोट होगा, वो स्फोट होगा कि आप प्रिया के अंग अंग में नव यौवन प्रकट हो रहा है, ये रसकों की बोली है। इसलिए वृंदावन का वर्णन खूब किया गया, पंक्ति की पंक्ति माने वृंदावन की शोभा के वर्णन में वाणी साहित्य में देखें, रस साहित्य में देखें, तो कहीं पूरे के पूरे अध्याय के अध्याय वृंदावन की शोभा का वर्णन है, पर उन सब का अंतिम जो लक्ष्य है, जो मूल चोट है, वो चोट श्री प्रिया के शरीर में, क्यों प्रिया और वृंदावन अलग अलग नहीं है, प्रिया के माध्यम से वृंदावन की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। नवल वसंत नवल वृंदावन, तत्व तो प्रिया की शोभा का वर्णन है, ये धाम की शोभा का वर्णन नहीं है, ऊपर से दिख रहा है धाम पर भीतर प्रिया। ऐसे ही यहां पर वृंदावन की शोभा के माध्यम से किशोरी की शोभा का श्री ललिता जी वर्णन कर रही है, ये रसकों की शैली, जो गोपनीय वस्तु है उसको मंत्र रूप में रखा जाए। मंत्र की तीन विशेषता, मंत्र अत्यंत अत्यंत मूल्यवान और कोई दुर्लभ वस्तु होता है, एक बात। दूसरी बात, मंत्र का उपदेश सर्वदा छपा करके किया जाता है। और तीसरी बात, दुर्लभ रत्न को सदा छपा करके ही अपने पास में रखा जाता है और उसका उच्चारण भी किया जाता है। शतकर्णी हित के मंत्र, जैसे कोई गोपनीय कॉन्स्पिरेसी करनी हो, गूढ़ मंत्रणा करनी हो, कहीं कोई कूटनीति चलानी हो, तो उसको कहीं बाहर प्रकट नहीं किया जाएगा, राज्य में उसको बड़ी मंत्रणा को बड़ी गोपनीय करके जो मीटिंग होगी वो कैबिनेट की, वो भी एकदम गोपनीय होगी, किसी बाहर के किसी पत्रकार को उसमें आमंत्रित नहीं किया जाएगा, उसे छुपा करके बात की जाएगी। तो जो मंत्र है वो मंत्र मूल्यवान होना चाहिए, मंत्र छुपा करके कहना कहने वाली वस्तु होनी चाहिए, और मंत्र प्राप्त हुआ है उसको भी छुपा करके रखना चाहिए, ये रस की रीति है। क्योंकि श्री प्रिया के प्रति प्रीति वह परम परम मूल्यवान है, मंत्र रूप है, इसलिए प्रिया की रूप
माधुरी का वर्णन, प्रिया के जो प्रीति माधुरी है उस प्रीति माधुरी का निज धन का निज जो प्रिया के प्रति प्रेम है, स्वामी के प्रति जो आदर की भावना है वो परम मूल्यवान है, इसलिए उसको अत्यंत अत्यंत छपा करके ही रखा जाता है, गोपनीय रूप में रखा जाता है। इसलिए मंत्र है और मंत्र होने के कारण उसका वर्णन यदि करना भी पड़े तो कहीं संकेत में उसका वर्णन किया जाएगा, कोड लैंग्वेज में उस मंत्र को कहीं किसी दूसरे के सामने प्रकट किया जाएगा, उसको सीधा सीधा अल्लाह में प्रकट किया। इसलिए प्रिया की शोभा का वर्णन करने के लिए रसिक जन जब प्रवृत्त होते हैं तो साक्षात शोभा का वर्णन न करके वे वर्णन कहेंगे कि आह वृंदावन में कमल खिल रहे हैं, पर रसिक जनों का ध्यान आ जाएगा कहां कमल माने नेत्र कमल, अधर कमल, वक्ष कमल, हस्त कमल, चरण कमल, नाभि कमल, आह कमल से कमल टकरा रहे हैं। परंतु रसिक जनों के सामने जो बिंब उपस्थित होगा, जो इमेज उपस्थित होगी वो ये कि आज नील कमल वह कहीं पीत स्वर्ण कमल के ऊपर झुका पड़ा है, कमल से कमल टकरा, ये रस की रीति है। तो रसिक जन जब वृंदावन का वर्णन करते हैं तो वहां पर मूल रूप में श्री प्रिया की रूप माधुरी का ही वर्णन करते हैं, ये रहस्य है, मंत्र है। और इसीलिए श्री ललिता जी उसी मंत्र की पद्धति को अपनाते हुए कह रही हैं कि नव मुकलिता, जहां पर अंग अंग प्रफुल्लित हो रहे हैं, मुकलित हो रहे हैं, दृष्टाभ्यर्ण्य, आज अभ्यर्ण माने बगीचा पास, अपने पास में इस रसाल लता का दर्शन करके जिस जो नव मुकलित होकर के विराजमान है, ऐसी लता का दर्शन करके अरे भोला तू चंचल मत हो, मत हो कथम मुधा धृष्टा कूटम भजन अविधावसी, अरे कोयल धृष्टा कूटा का तात्पर्य है अरे कोयल कथम मुधा, क्यों तू व्यर्थ में ही भजन अविधावसी इस आम्र लता की बोर का सेवन करने के लिए, अरे कोयल तू क्यों दौड़ रहा है, तू तो दृष्ट है। कोयल वैसे भी दृष्ट मानी जाती है, वह कहीं परभृत कहलाती है, परभृत का तात्पर्य है कि कोयल की मां अपने अंडे को कोए के घोंसले में रखाती है, अंडे अंडे एक से दिखते हैं तो कोई बिचारी ये समझती है कि मेरे अंडे हैं और उसे बड़े लाल चाप से वो उन अंडों को पालती है, परंतु जब छोटे होते हैं तब भी कोयल में और कौवे में अंतर नहीं होता है, पर जैसे ही बड़े होते हैं वैसे ही कोयल का जो बच्चा है वो फुर उड़ जाता है और बिचारी मां देखती देखती रह जाती है, पालन करने वाली वो देखती देखती रह जाती है। इसलिए कोयल का एक नाम है परभृत, माने दूसरे के द्वारा जिसका भरण पोषण किया गया है, इसलिए कोयल को धृष्ट कहा गया। यहां कहा गया कथनिक मुधा धृष्टा कूटम भजन अविधावसी, अरे कोयल इस लता आम्र की लता का नव मुकुलित आम्र की लता का दर्शन करके तू क्यों अविधावसी क्यों ललचा रहा है, परम बलवती स्निग्धा चासव, ये रसाल की जो लता है आम्र लता या तो परम बलवती या तो सुगंध से युक्त होकर के विराजमान है, स्निग्धा परम स्निग्ध है, असौ द्वरे पतिश्रता, और ध्यान रखना यह द्वेव पति माने भ्रमर रूपी पति के ही आश्रित है, ये द्वेव पति जो है वो द्वेव पति के ऊपर ही आश्रित है। द्वि माने दो, रेफ माने रकार जिसमें लगे हो, राखी मात्रा दो लगी हो, भोरा जो होता है उसके भी दो बाल मूंछ के आगे निकले रहते हैं, इसे भोरे का नाम है द्वेव,
जिसमें दो रेप हो, जैसे वक्र तो क्रम में जैसे नीचे लगा देते हैं, ध्रुव ध्रुव में जैसे र लगा देते हैं, उसको रेफ कहते हैं। रेफ दो होते हैं, एक रेफ होता है ऊपर चढ़े, कर्म इसमें रेफ ऊपर चढ़ा है, और ध्रुव में जो रेफ है वो नीचे लगा होता है। तो द्विरेफ का मतलब है भोरा, जिसके जिसमें दो रेफ हो। तो ये द्विरेफ पति श्रोता, द्विरेफ पति माने बार बार ये हमारे पति है। यहां पर कहीं श्री रूप गोस्वामी जी राधा कृष्ण गरुड़ोदेश दीपिका की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि श्री ललिता जी उनके पतिम मन्य गोप का नाम बरबर है। तो यहां परकीय भाव को दिखाते हुए कह रहे हैं द्वेर पतिश्रता, हम बरबर इत्यादि पति उनसे रक्षित होकर के विराजमान हैं, इससे खबरदार हमारे साथ में ऐसी चंचलता मत करना। अरे कोयल, इस आम्रलता का दर्शन करके तू क्यों मोहित हो रहा है? ये आम्रलता द्विरेफ आदि पति, बर्बर आदि जो पति हैं, उनसे युक्त होकर के दर्द पति नहीं है, तत्वता पति मन्य रूप एक शब्द का प्रयोग किया गया, पति शब्द का प्रयोग नहीं है वहां पर, पति मन्य शब्द का, पति जैसे जो अपने आप को मानते हैं, है नहीं। इन गोपियों के पति तो एकमात्र कृष्ण है, ये राधा कांति ही है, ये गोपी कांति ही होकर के विराजमान, कांत तो कृष्ण है, परंतु पति शब्द के द्वारा जो पति मंदिर गोप है उनकी ओर भी संकेत है कि हमारी रक्षा करे। रास्ते कर रही है, हम क्या अपने पति पुत्र इन सबों को छोड़ करके आई हैं क्या? पति सुतांग पुत्र मन्य अपने घर के छोटे छोटे खरगोश बछड़े शशि हरिण उनका क्या त्याग करके हम आई हैं क्या? हम तेरे पास में नहीं आई हैं। तो यहां पर वही कह रही है कि द्विरेप पति श्रोता, द्विरेप पति जो है उनसे की आश्रित होकर के विराजमान। श्री रूपानुग उपासना पद्धति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वह परकीय भाव को आदर देती हुई विराजमान। जहां श्रीमद गोलोक की उपासना पद्धति और सिद्धांतमय उपासना पद्धति, वहां पर स्वकीय भाव की ही प्रधानता है, यदि गोलोक में भी परकीय भाव ही है परंतु स्वकीय भाव की प्रधानता, परंतु गौड़ियाओं की जो उपासना पद्धति है वह परकीय भाव में होने पर यहां पर बार बार जो परकीय भाव के जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर शब्द का प्रयोग किया गया द्विरेफ पतिम श्रोता, कि हमारी रक्षा करने वाले ये इस द्विरेफ इत्यादि पति हैं, जैसे इस आम्र मंजरी की, मुकुल मंजरी की, आम्र मंजरी की रक्षा करने वाले, इसका पान करने वाला मुख्य रूप से द्विरेफ है, वो भ्रमर है। अरे भ्रमर, तू क्यों दौड़ रहा है? पर हर कुहू कंठ, अरे कुहू कंठ, अरे कोयल, पर हर दूर हट जा, दूर हट जा, उत्कंठाम अपनी उत्कंठा का त्याग कर दे, इयम सुलभानते, ये श्री राधिका तुझे सुलभ नहीं है। अब इसी विवरण के परिप्रेक्ष्य में यदि अर्थ करें दोबारा देखें इसी अर्थ को, कि श्री वृंदावन की लता के माध्यम से अप्रस्तुत प्रशंसा में श्री राधिका की माधुरी का श्री ललिता वर्णन कर रहे हैं। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का जहां वर्णन किया जा रहा है वो वर्णन करते हुए कह रही है कि नव मुकुल तान दृष्ट्वा भेड़े रसाल लताम इता, इता माने यहां, अभ्यर्णे माने अपने पास अपने बगीचे में, इस रसाल लता का दर्शन करके जो कि नव मुकुलित है, प्रस्तुत में अर्थ होगा जो श्री राधिका नव यौवन से युक्त होकर के अपने माधुरी को विकसित करने वाली है,
उनका दर्शन करके कथम बुधा दृष्टा, अरे नीचे की पंक्ति से लेंगे कुहू कंठ, अरे कोयल तू व्यर्थ में ही बुधा माने व्यर्थ में ही दृष्ट होकर के कूटा भजन झूठ मूठ भजन करते हुए तू भजन नहीं करने वाला है, तू तो स्वार्थी है, अरे कोयल कूटा तू वैसे भी बदनाम है परभ्रत रूप में छल करने में तू बदनाम होकर के विराजमान है, अरे कोयल कूट दृष्ट तू क्यों झूठ मूठ का भजन कर रहा है, कूट भजन क्यों कर रहा है, कूट कहते हैं छिपा हुआ झूठा भजन, भजन है नहीं है स्वार्थपूर्ति पर दिखा रहा है जैसे बड़ा भक्त है, तो क्यों अविधावसी इस रस आम्रता के ऊपर क्यों बार बार दौड़ रहा है, परमलवती स्निग्धा ये आम्रता परमलवती माने सुगंध से युक्त है अति स्निग्ध है, और ध्यान रखना ये दुरेह पति श्रुता दुरेह माने कठोर क्रोध स्वभाव के भोरा रूपी पति से सेवित है, श्री ललता जी के भी पति मन वो उनका नाम बरवर है, तो हम बरवर आदि पति मन जो गोप हैं उनसे रक्षित होकर के विराजमान हैं, अरे कुहू कंठ अरे कोयल पर हर दूर हट जा दूर हट जा, उत्कंठा इमं इस उत्कंठा का त्याग कर दे त्याग कर दे, इयं सुलभानते यह आम्रलता तुझे सुलभ नहीं होगी, जैसे कोयल को आम्रलता सुलभ नहीं इसी प्रकार हे श्याम सुंदर तुमको भी श्री विश्वानंदिनी राशेश्वरी वृंदावनेश्वरी हमारी सखी सुलभ नहीं है, उनके प्रति तुम चंचलता मत करो, ऐसे अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत श्री राधिका उनकी महिमा का यहां गायन किया गया। रूप गोस्वामी जी का कहना क्या कवि श्रोमणी है और उनकी कविता में तो सरस्वती पीछे पीछे चलती है, सारे अलंकार परम सुंदर ये अप्रस्तुत प्रशंसा का जो प्रयोग है वो यहां पर निरूपण किया गया। श्री विशाखा जी बीच में कहती हैं कि रुजु वृत्ति किल कुटले वैगुण्याय कल्पते त्वरितम् इति दर्शयन् धनुस्तो गुणच्युतिम् स्फुटिम् ईशोर्याति कि अरे सखी क्यों इनसे अटक रही हो, ऐसे चंचल से अटकने की जरूरत नहीं है, चल सखी चल यहां पर रुकने की जरूरत नहीं है, सरल वृत्ति वाले का यह कर्तव्य है कि यदि कोई टेढ़ा व्यक्ति मिल जाए तो उसे पीछा छुड़ा करके उसे निकल जाना चाहिए, इसलिए हमको भी श्याम सुंदर से अटकना नहीं चाहिए, हमको भी इस समय सीधे साधे निकल जाना चाहिए, क्योंकि नीति कहती है कि सरल व्यक्ति को कठोर व्यक्ति से नहीं अटकना चाहिए, जैसे एक उदाहरण देती है कि धनुष टेढ़ी वृत्ति वाला ही होता है पर बाण सर्वदा सीधी वृत्ति वाला होता है, तो बाण जैसे धनुष का त्याग करके धनुष के गुणों का त्याग करके धनुष के भले धनुष गुणवान है, गुणवान माने प्रत्यक्ष गुण माने गुण गुण माने प्रत्यक्ष दोनों गुण के दो अर्थ होते हैं डोरी और प्रत्यंचा, तो धनुष भले गुणवान है परंतु गुणवान होते हुए भी जैसे सरल प्रकृति वाला बाण धनुष के गुणों का त्याग करके धनुष की प्रत्यंचा डोरी का त्याग करके निकल जाता है धनुष का त्याग कर देता है, इसलिए हमको जल्दी से यहां से इन जो छलिया सारे ये जो दान घाटी के बहाने से इनको भिक्षुक समझ लो छलिया समझ लो कूट समझ लो ये सब के सब जो यहां पर इकट्ठे हुए हैं उधरम भर
लोग जो इकट्ठे हुए हैं इनके पास में अटकने की जरूरत नहीं है, इनसे यहां से निकल जाओ, इस मधुमंगल जैसे भुक्कर को त्याग करके यहां से सीधे निकल जाओ, इन टेढ़ों से अटकने की जरूरत नहीं है। अब इसी भाव को पंक्ति में कह रही है कि रिज वृत्ति जो सरल वृत्ति वाला है, किन कुटले वैगुण्याय कल्पते त्वरिता, वह यदि कुटिल के पास में रहेगा तो कुटिल के पास में रहने पर वैगुण्याय उसकी विडंबना ही होगी। डोरी भले सीधी है धनुष की, परंतु बाण यदि उस डोरी के साथ में भी रहेगा तो डोरी भी टेढ़ी हो जाएगी, खींची जाएगी तो डोरी टेढ़ी हो जाएगी, तो धनुष भी टेढ़ा डोरी भी टेढ़ी, उसके गुण भी टेढ़े ही हैं। तो यदि सरल व्यक्ति कुटिल व्यक्ति के साथ में रहेगा तो उसकी विडंबना ही उसकी परे उसको परेशानी की प्राप्ति ही होगी, इसलिए त्वरितम शीघ्रता से इति दर्शय, ये बताते हुए कि सरल व्यक्ति को कुटिल के पास में नहीं रहना चाहिए, ये बताते हुए धनुष्ठो गुणिच्युति, धनुष में जो डोरी लगी हुई है उस डोरी को भी त्याग करके स्फुटम इशु याति, इशु माने बाण, जो बाण है वह शीघ्र ही निकल जाता है, इसलिए अरिसखी कहने का तात्पर्य है जल्दी से यहां से निकल लो, अब यहां पर अटकने की जरूरत नहीं है। उस समय विशाखा ऐसी कह रही थी, तब चित्रा विशाखा की बात को नहीं मान करके श्याम सुंदर से उल्टी कहीं ना कहीं कोई कमेंट पास करती ही है, कुछ ना कुछ टेढ़ी बात कहती है, कह रही है श्याम सुंदर यदि आपको कर ही ग्रहण करना है और ये जो मधुमंगल यदि उधरम भर होकर के पेट भरने के लिए यहां पर यदि आए हैं तो ये उधरम भर भिक्षुकों का जो समूह इकट्ठा किया है आपको यहां पर बढ़िया भीख नहीं मिलेगी, ये स्थान तो एकांत का है दान घाटी का, ऐसा करो अपने इस चौकी को दान की चौकी को तुम यमुना जी के घाट पर ले जाओ, वहां पर सब लोग आते हैं तो तुमको तुम्हारी ज्यादा कमाई हो जाएगी, यहां पर काय को बैठे हो, ऐसे श्री चित्रा जी आगे हंसी कर रही है। और फिर श्याम सुंदर उस समय क्रोधित तो होंगे और आगे फिर दान जो है उस दान को ग्रहण करेंगे। बोलो श्री लाली लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल राधा।